गाइस, आज हम बनाएंगे होली स्पेशल बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी मिठाई एकदम नए टेस्ट और नए फ्लेवर में। और हमने इस टेस्टी मिठाई को बनाया है सिर्फ 2 कप गेहूं के आटे से। जी हाँ, सिर्फ 2 कप गेहूं के आटे से ये सुंदर सी मिठाई बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है, जिसे हम रोटियां बनाते हैं ना, तो वही हमने यहाँ पे आटा लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 पिंच जितना ले लेंगे नमक, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है, सिर्फ 2 पिंच। और थोड़ा सा डाल देंगे यहाँ पे जायफल पाउडर। आप यहाँ पे इलायची के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे घर में सभी को नज़ला, खांसी, जुखाम जैसी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जायफल के पाउडर का इस्तेमाल किया है। 1/4 कप लेंगे यहाँ पे देसी घी, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, बस उसको हल्का सा गुनगुना करके ही इसके अंदर डालें। तो 1/4 कप में से मैंने यहाँ पे 2-3 चम्मच बचा लिया है घी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो हमने मोयन के लिए इस आटे के अंदर डाला है ना, हाथों से इस तरीके से मसल मसल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मुट्ठी सी बना के देख लेंगे। देखिए टाइट सी मुट्ठी बन रही है ना, तो यानी कि एकदम परफेक्ट मोयन है। अगर कम लगे ना, मुट्ठी ना बने, तो आप ये बाकी का बचा हुआ घी भी डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका सेमी सॉफ्ट डो बना के रेडी करेंगे। आटा बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लगाएंगे इसका, और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं लगाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसका आटा लगा के तैयार कर दिया है। इसको किसी भी बर्तन से हम ढक के रख देंगे करीब 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से फूल जाए। 10 मिनट हो चुकी है, तो चलिए एक बार अपने आटे को दोबारा से अच्छे से हम मसल मसल के और ज़्यादा सॉफ्ट कर लेंगे। तो आटा हमने यहाँ पे सॉफ्ट कर लिया है। अब इसकी छोटी छोटी सी हम लोइयां बना लेंगे। तो लोइयां हमें कैसी लेनी है फ्रेंड्स, जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, तो रोटी के साइज़ से हमें थोड़ा छोटा लेना है। बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा ये मोटी भी नहीं रखेंगे साइज में। तो ये देख सकते हैं, 2 कप आटे से हमने यहाँ पे 17 लोइयां बना के तैयार किए हैं। अब एक लोई को हम इस तरीके से बेल लेंगे, रोटी से भी पतला बेलना है। जितना पतला अच्छे से बेलेंगे, उतनी ही बढ़िया बनेंगी हमारी ये आज की रेसिपी। तो देख सकते हैं, हमने रोटी की तरह इसको बेल लिया है। आड़ी टेढ़ी जैसी भी बने, आप बना डालिए। और बस अब चाकू से हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें थोड़े थोड़े सी जगह पे कट लगा लेने हैं। किनारों को कट नहीं करेंगे, बस 20 पोर्शन में ही इस तरीके से कट लगाने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने यहाँ पे इसको कट किया है। अब ऊपर से लगा देंगे थोड़ा सा ऑयल, आप चाहे तो यहाँ पे देसी घी भी ले सकते हैं। बस ध्यान रखें कि कोई भी स्मेल वाला तेल हमें यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। थोड़ा सा ऊपर से सूखा आटा डस्ट कर देंगे, अच्छे से फैला लेंगे इसको, और अपनी सभी इन स्ट्रिप्स को इकट्ठा कर लेंगे। सूखा आटा और जो हमने यहाँ पे ऑयल लगाया है ना, तो उसे ये स्ट्रिप्स आपस में बिल्कुल भी चिपकेंगी नहीं। तो बहुत ही आराम से इस तरीके से हमें सभी को इकट्ठा कर लेना है, और बस हमें क्या करना है, दोनों किनारों को अच्छे से चिपका लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से दबा दबा के थोड़ा सा घुमा के इसको थोड़ा सा खींचेंगे। इतना भी मत खींचना इसको दम लगा के कि ये बीच से ही टूट जाए, बस हल्का सा ही खींचेंगे। और एक साइड को इस तरीके से हम फोल्ड करते जाएंगे फ्रेंड्स, और जो ये लास्ट का किनारा बचेगा ना, इसको अंदर की तरह इस तरीके से दबा के चिपका देंगे, और हल्के हल्के हाथों से इसको दबाएंगे, और फिर बेलन से भी बहुत ही आराम से इसको बेलना है, ताकि जो इसकी स्ट्रिप्स है ना, वो बिल्कुल भी चिपके ना। अगर दबा दबा के इसको बेलेंगे ना, तो ये स्ट्रिप्स बिल्कुल भी खुलेंगी नहीं। तो देख सकते हैं, हमने इसको आराम से हल्के हाथों से बेल लिया है। अब एक और हम इसी तरीके से बना लेते हैं। बस किनारे हमें कट नहीं करने हैं, इस बात का खास ध्यान रखें। ऊपर से याद से ऑयल जरूर लगा लेना है, और सूखा आटा। अगर इन दोनों चीज़ों को ही नहीं लगाएंगे ना, सिर्फ इस तरीके से कट करने के बाद ही आप इसको फोल्ड कर लेंगे, तो उससे क्या होगा कि फ्राई करते समय ये बिल्कुल भी हमारे लच्छे खुलेंगे नहीं।
तो आराम से इनको हमें इस तरीके से इकट्ठे करते जाना है। अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से अभी सब्सक्राइब कर लें। और आप हमें कौन से सिटी से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं दिल से आपका धन्यवाद ज़रूर करूंगी। तो सेम इसी तरीके से हमें इसको भी फोल्ड कर लेना है, किनारों को अच्छे से चिपका लें तभी इसको फोल्ड करें। ये देखिए कितना आसान है इसको बनाना, और बस हल्के हल्के हाथों से ही इसको प्रेस करेंगे और फिर बेलन से हल्का सा इसको बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़े साइज में नहीं बेलना है और बहुत ज़्यादा इसको छोटा नहीं रखना है, थोड़ा सा जैसे कि मठरियाँ बनाते हैं ना, तो सेम इसी साइज में हमें इनको बना के तैयार कर लेना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था और अपनी इन सभी लच्छा मठरियों को हम इसके अंदर डाल देंगे। एक बार में जितनी आ जाए उतनी ही डालिए, बहुत ज़्यादा इसको भरिए मत क्योंकि थोड़ा स्पेस चाहिए इनको फूलने के लिए। जैसे ही आप इनको डालेंगे ना तो हमें इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, तभी इसके जो स्ट्रिप्स होती हैं, जो इसके लच्छे होते हैं, वो खुल के अच्छे से बाहर निकलते हैं। तो इसलिए हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे से ये ऊपर की साइड तैरने लगेंगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से, जब एक साइड से ये हल्का सा प्यारा सा गोल्डन कलर आने लगे ना तो आराम से इनको पलट देंगे। ये देखिए मैं आपको बहुत ही पास से इसको दिखा रही हूँ, एक एक लच्छा बिल्कुल अच्छे से निकल के बाहर आया है। तो एकदम बढ़िया सा कलर आने तक इनको फ्राई कर लेंगे दोनों साइड से। और फ्लेम का ध्यान रखना है, फ्लेम को कहीं भी हमें हाई नहीं करना है, तभी ये आपकी लच्छा मठरी एकदम क्रिस्पी बनेंगी, मज़ेदार बनेंगी। तो दोनों साइड से हमने अलट पलट के बढ़िया कलर आने तक इनको फ्राई कर लिया है और इनको फ्राई करने में हमें यहाँ पे 6 से 7 मिनट का समय लगा है फ्रेंड्स। तो चलिए इससे ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है क्योंकि ऑयल से बाहर निकलने के बाद भी थोड़ा सा ना इनका डार्क कलर हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से अपनी सभी लच्छा मठरियों को हम निकाल लेते हैं। इन मठरियों को फ्राई करते समय बस हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना है, तभी आपकी ये मठरियाँ एकदम परफेक्ट बनेंगी। बस जिस टाइम पे आप इनको फ्राई करें बहुत ज़्यादा न भरें कढ़ाई को, और जब हम आटा लगाएं बहुत ज़्यादा टाइट ना लगाएं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना लगाएं, तो एकदम परफेक्ट बनेंगी। तो हमने सभी यहाँ पे मठरियों को फ्राई कर लिया है, देखिए और कितनी ज़्यादा ये क्रिस्पी बनी है, आप खुद ही देख सकते हैं कितने बढ़िया से सभी लच्छे यहाँ पे उभर के सामने आए हैं। तो चलिए अब हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमने एक पैन में डाल दी है 1 कप जितना चीनी और इसमें 1.5 कप डाल देंगे पानी। कोई भी मेज़रमेंट के लिए आप कप कटोरी सेट कर सकते हैं, उसी से ही पूरा मेज़रमेंट करें। तो 1.5 कप हमने यहाँ पे इसके अंदर पानी डाल दिया है, अच्छे से बॉईल आना स्टार्ट हो गया है। 4 से 5 हरी इलायची मैंने खलबत्ते में थोड़ा सा दरदरा सा कूट के इसके अंदर डाल दी है, इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। तो अच्छे से इसमें उबाल ले लेते हैं। तो हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाढ़ी या फिर बहुत ज़्यादा चिपचिपी चाशनी नहीं बनानी है, बस हल्की सी चिपचिपी हो, सिर्फ एक तार वाली चाशनी बनानी है, तब तक ही हमें इसको पकाना है। तो एक बार इस तरीके से हम थोड़ा सा चेक कर लेंगे फिंगर से, तो ये देखिए हल्का सा तार बनने लगा है ना, तो बस इससे ज़्यादा हम इसको पकाएंगे नहीं वरना फिर चीनी जमने लगेगी। तो बारी बारी से इस तरीके से हम अपनी लच्छा मठरियों को डालेंगे और इनको आराम से अलट पलट के निकाल लेंगे। इसमें डाल के हमें छोड़ना नहीं है फ्रेंड्स, बस फटाफट से डालें और इनको निचोड़ निचोड़ के निकाल लें। अगर आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मीठा खाना पसंद है, चाहते हैं कि ये चाशनी एकदम जैसे कि चीनी सिरप होता है ना, गाढ़ा गाढ़ा सा वाइट वाइट सा सूखने के बाद हो जाता है, तो आप इसको 2 तार वाली चाशनी बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मीठी नहीं होती है मिठाई, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 तार वाली चाशनी में ही इनको डुबो डुबो के तैयार किया है। तो बारी बारी से अपनी सभी यहाँ पे मिठाई को हम इस तरीके से ही चाशनी के अंदर डालेंगे, दोनों साइड से पलटेंगे और फटाफट से इनको अच्छे से निचोड़ निचोड़ के निकाल देंगे, ताकि जो भी इसकी एक्स्ट्रा
चाशनी है ना वो निकल जाए। तो लीजिए, हमने सभी को चाशनी से बाहर निकाल दिया है और ये हमारी बहुत ही लजीज, बहुत ही शानदार मिठाई बनके तैयार है, वो भी गेहूं के आटे से। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना नज़दीक से मैं आपको इसको दिखा रही हूँ। एक एक लच्छा हमारी इस मिठाई में एकदम नज़र आ रहा है ना। चाशनी भी कितने अच्छे से इसके अंदर भरी हुई है। तो एक बार इसको तोड़ के भी दिखा देते हैं। ये देखिए, एकदम अलग अलग इसके लच्छे निकल के सामने आ रहे हैं। तो इस होली आप भी गेहूं के आटे से बनी इस हेल्दी टेस्टी सी मिठाई को बना के डब्बे भर भर के रख लें, क्योंकि बचने वाली तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं है ये मिठाई। तो हमने तो यहाँ पे खूब सारी अपनी टेस्टी मिठाई बना के तैयार कर ली है। और अगर आज की ये आसान सी रेसिपी अगर हमारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।